भाजपाइयों का गुस्सा थमने का नाम नहीं ले रहा। देश के कोने कोने में भाजपा कार्यकर्ता पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री बेनजीर भुट्टो के पुत्र के द्वारा कहे गए शब्दों से इतने आहत हैं कि जगह जगह पुतले फूंक रहे हैं। वहीं झांसी के मऊरानीपुर में भी भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा पुतला फूंका गया। पाकिस्तान की पूर्व प्रधानमंत्री बेनजीर भुट्टो के पुत्र बिलावल भुट्टो के द्वारा देश के प्रधानमंत्री के लिए कहे गए अब शब्दों के बाद भाजपा कार्यकर्ताओं में जबरदस्त रोष देखने को मिल रहा है, जिसके चलते आज भाजपा कार्यकर्ताओं ने एकजुट होते हुए पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारों के साथ बिलावल भुट्टो का पुतला दहन कर अपना विरोध दर्ज करवाया। आपको बता दें, कुछ दिन पहले विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो ने नरेंद्र मोदी, जो कि भारत के प्रधानमंत्री हैं, उनको गुजरात का कसाई कहकर संबोधित किया था, जिसके बाद देश में भाजपा कार्यकर्ताओं में काफी आक्रोश देखने को मिल रहा है। जगह जगह पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाए जा रहे हैं, साथ ही साथ बिलावल भुट्टो के पुतले को भी दहन किया जा रहा है। इसी कड़ी में मऊरानीपुर तहसील मुख्यालय पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने एकजुट होकर पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाए, साथ ही साथ इस दौरान बिलावल भुट्टो का प्रतीकात्मक पुतला जलाकर विरोध जताया। भजन है, भजन है। ये प्रधानमंत्री का अपमान किया है बिलावल भुट्टो ने, जो आतंकवाद की जननी है, जहाँ से आतंकवाद पैदा होते हैं और दूसरे के ऊपर दोषारोपण रखते हैं, इसलिए उनका पुतला जलाया गया है। मुस्लिम जो पाकिस्तान के लोग हैं, वो जब से देश पाकिस्तान बना है, वो चाहते हैं कि हिंदुस्तान को बर्बाद करना चाहते हैं, ऐसे बयान देते हैं जिनसे पूरा देश आज नाराज है। और मैं तो ये कहता हूँ कि जितना पाकिस्तान आगे बढ़ेगा उतना ही भारत का नुकसान है। एक ही बार में उसको पूरा साफ किया जाए, जिससे इनका निस्तबूत हो जाए। आज पाकिस्तान ने वो बयान दे रहे हैं जिससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन जो हिंदुस्तान में मुसलमान सुरक्षित हैं वो पाकिस्तान में नहीं है। पाकिस्तान मुसलमान चाहते हैं कि हिंदुस्तान को बर्बाद करना चाहते हैं, इसलिए हर मगर आतंकवादी भेजते हैं, यहाँ आप लोगों को मरवा रहे हैं। एक बार में युद्ध खत्म होना चाहिए, एक ही बार लड़ाई हो जाए तो बेर बेर की हटा खत्म होना चाहिए।